जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हिट एंड रन मामले को आरोपी ड्राइवर के खिलाफ 10 साल तक की कैद और जुर्माने के प्रावधान वाले नए दंड का कानून का विरोध किया है। प्रासंगिक रूप से नए दंड कानून के तहत किसी घातक दुर्घटना में अधिकारियों को सूचित किए बिना भागने वाले आरोपी ड्राइवर को 10 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने बैठक कर भारत सरकार से नए कानून को लागू करने के लिए पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव शेख मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि वे नए प्रावधान के खिलाफ है और इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के प्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना कानून लागू किया जा रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों के ट्रांसपोर्टरों ने कहा है कि हड़ताल का आह्वान किया है और आगे भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसका मकसद है कि जो ड्राइवरों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐसा कानून जिसकी रूह से ड्राइवर को हादसे की सूरत में दस साल की सजा और सात लाख का जुर्माना आयद किया जाएगा उस ड्राइवर को जो हादसे का शिकार होगा, जिसकी गाड़ी हादसे का शिकार होगी। उस सिलसिले में ऑल इंडिया में सारे पूरे